वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी को दिया नतीजा जारी करने का आदेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा 2017 के परिणाम अब जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। जैसा कि आपको बता दें, पहले से आप लोग अवगत होंगे कि एसएससी 2017 की परीक्षा जो हो रही थी टीयर सेकेंड की, उसमें दिल्ली के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक का मामला उठा था और इसके कारण इस परीक्षा के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी कोर्ट ने एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर यानी कि सीजीएल परीक्षा 2017 के रिजल्ट पर लगाई रोक गुरुवार को हटा ली। शीर्ष अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी को केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती को लेकर आयोजित सीजीएल 2017 की परीक्षा के परिणाम को जारी करने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस ए नज़ीर की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जी एस सिंघवी की अगुवाई में एक 7 सदस्यीय समिति भी गठित की। ये समिति यह सुझाव देगी कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। समिति में इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी और वैज्ञानिक विजय भाटर भी होंगे। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट क्या करेगी, पेश करेगी, मतलब देगी। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई महीनों से कर्मचारी चयन आयोग की 2017 की सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रश्न पत्र को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पिछले साल 31 अगस्त को शीर्ष अदालत ने नतीजे को जारी करने पर रोक लगा दी थी। जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एनमी रमना की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण और आगे देखिएगा कि ना आने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी थी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को मामले में नई स्टेट रिपोर्ट पेश करने को निर्देश दिया था। एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा के पर्चे कथित तौर पर लीक हो गए, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया था। कर्मचारी चयन आयोग की एक सरकारी निकाय है जो कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न स्तरों पर समूह घा के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप लोग देख लिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एसएससी 2017 के नतीजे जारी करने का आदेश हो चुका है और ये नतीजे जल्दी ही पेश कर दिए जाएंगे, मतलब घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस खबर में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी को ये महत्वपूर्ण खबर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, आपके एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी पीवीआर स्टडी को देखते रहें और देखते ही ना रहें, दिखाते भी रहें। जी हाँ बिल्कुल, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को पीवीआर स्टडी के साथ जोड़ें, जिससे कि उन सभी को भी ये खबर मिल सके और वो अपडेट रह सकें। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप यहाँ से एसएससी की कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लाइव क्लास भी कर सकते हैं आप पीवीआर स्टडी के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, थैंक यू।